आज हैदराबाद में आपको दिखा रहे हैं आइसक्रीम की मेकिंग, मतलब वो जो आइसक्रीम हम लोग चोकोबार खाते हैं, वो जो आइसक्रीम कप में से खाते हैं, वो कैसे बनती है। पीछे पूरी फैक्ट्री है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वो जो आइसक्रीम का प्रीमिक्स होता है, उससे पहले जो दूध होता है, और वो कैसे चोको डिप करके, और कोशिश करेंगे फ्रेश वाली आइसक्रीम खाने की। आ जाओ मेरे साथ भैया, पीसेस काउंट करके डालना, कहीं कम ना पड़ जाए। ऐसे ही हंसी मजाक के साथ फैक्ट्री टूर स्टार्ट करते हैं। आइसक्रीम का फेवरेट अपना फ्लेवर कमेंट्स में बताना, वीडियो को लाइक करना और वेजी बाजी को सब्सक्राइब कर दो यार। ये चोको बार का आउटिंग हो रहा है, ये क्या प्रोसेस रहता है, मतलब हार्डनर है। अच्छा, बेस बोलते हैं उसको। हाँ। बेस सेट हो गया इसमें। हाँ। और अब उसको निकाल के हार्डनर में डाल रहे हैं। हार्डनर में 5 मिनट्स रखते हैं, हार्ड हो जाता है अपने। हार्ड उसके बाद चॉकलेट का लेयर डिप करते हैं। अच्छा, ये हीट करते हैं इसको। अच्छा, ये 68 डिग्री पे अभी चल रहा है। 72 सीधा हार्डनर में जाएगा, सेट हो जाएगा और उसके बाद फिर चॉकलेट में जाएगा। तो इसका सेट होने में कितना टाइम लगता है इसको? 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। अच्छा, इन सब की अभी इनिंग हुई है, मतलब इन, हाँ, ये 10-15 मिनट्स पहले अभी इन हुए होंगे। हाँ। अभी ये सेट हो गए, हार्ड हो गए। आपका एक टेम्परेचर रहता होगा उस पर, उधर हल्का सा इनको बाहर सांचे से बाहर निकाला जाएगा, हार्डनर में जाएगा। हार्डनर में जाएगा। कुल्फी स्टिक सही है? कुल्फी स्टिक, बटर पेपर। बटर पेपर में रैप रहता है। कितने टाइप की आइसक्रीम रहती है इधर? और सीजन वाइज नेचुरल फ्लेवर्स है। अच्छा, अभी अपने को कस्टर्ड एप्पल चल रहा है सीजन वाइज, अभी ये कस्टर्ड एप्पल का सीजन है। ये सीजनल फ्रूट्स हो गए जो सीजन। अच्छा। मैंगो है, अभी कस्टर्ड एप्पल है, जाम है, गुआवा, ऐसा सीजन वाइज जो भी सीजन है अपने को पूरा। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मशीन और मैन दोनों का साथ में कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो ये आइसक्रीम के लिए, आइसक्रीम के लिए कस्टर्ड एप्पल फ्लेवर में, उसके मतलब चंक्स आएंगे कस्टर्ड एप्पल के। अच्छा, पूरा आपने आइसक्रीम खा रहे तो पूरा कस्टर्ड एप्पल खाए, सो पूरा फीलिंग आएगा, पूरा फीलिंग आएगा। ऑटोमेटिक फीलिंग मशीन है यहाँ पे, आइसक्रीम बनती है, आइसक्रीम बनती है। और अब कुछ तो मशीन चल रही है। अच्छा, ये कप्स लगे हुए हैं, कप्स के अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, आइसक्रीम आ रहा है, आपको चॉकलेट चिप्स आ रहा है। ओह यस, पूरा ऑटोमेटिक। वो जो मैं आपको कह रहा था ना, मैन और मशीन का एकदम कॉम्बिनेशन चल रहा है। देख रहे हो, वो आइसक्रीम कोन में आ रही है, एक साइड पे मशीन में चॉको चिप्स आ रहे हैं और एक साइड पे उसकी स्टिकिंग बैजिंग लग रही है। और ये देखो छोटी सी असेंबली लाइन, ये सप्लायर्स के लिए जाने के लिए ना, स्टैंप वगैरह सारी डेट्स वगैरह डल के। अब ये सप्लायर्स के बॉक्सेस जा रहे हैं, ये सीधा शॉप्स पे जाएंगे या इनके डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स पे जाएंगे। ये लॉट नंबर लिख रहे हैं, ये अपना कुछ कोडिंग कर रहे हैं, कुछ अपना इंटरनल। वो जो आइसक्रीम बन के अभी आएगी, चॉकलेट का बेस। अच्छा, ये इधर ही बनता है सब? पूरा बेस है, अपने पास ही बनता है ये बेस से। अपने को आइसक्रीम मेकिंग मशीन। अच्छा, आइसक्रीम मेकिंग मशीन। आइसक्रीम मेकिंग मशीन के बाद ऑटो फिलिंग मशीन। ऑटो फिलिंग मशीन। ऑटो फिलिंग के बाद कोल्ड स्टोरेज। और ये पाइप्स जो है इनका, ये क्या क्या है थोड़ा बताएंगे? ये आके कंप्रेशर कूलिंग वाटर है। अच्छा, आइसक्रीम मेकिंग मशीन है, हीट आता अपने को। हाँ। वो हीट कूलिंग के वास्ते वाटर देते हैं अपने। वाटर देता है। और इलेक्ट्रिकल पैनल है। रसूल जी, आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, पर ये हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो हमें भी विस्तार में समझ आए। ये बड़ा कप है, बड़ा कप मैनुअल भरना पड़ता है। अच्छा, छोटे कप जो भी है पूरा ऑटोमेटिक रहता है। ऑटोमेटिक, ठीक है। चोको चिप्स आए, सो प्रेटी। चोको चिप हेवन। ये पैकेजिंग ओके, लॉट्स में जा रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। ये बेसिकली फ्लेवरलेस प्रीमिक्स रहेगा, इसमें सारे फ्लेवर्स ऐड होंगे। फर्स्ट स्टेप न्यूट्रल बेस बनना। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद कलर फ्लेवर, वनीला, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी, वनीला है जो फ्लेवरिंग होते हैं, वो डालते हैं, कलर फ्लेवर ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अभी ये डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, मिल्ट रहता है ना, ये हार्ड नहीं है अभी। अच्छा, ये जो अभी ये आपकी लॉट्स बन रहे हैं अपने इंटरनल, उसके लिए ये अभी कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज देख सकते हैं हम। आइए, हैदराबाद में आपको श्रीनगर के मजे दिलाते हैं। ये पूरा फ्लेवर वाइज रहता है, वनीला, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी, ऐसा पूरा। कौन कौन से फ्लेवर अभी पड़े हुए? अभी अपने पूरे फ्लेवर है। अच्छा, सारे फ्लेवर पड़े हैं, सारे फ्लेवर कोल्ड स्टोरेज है अपने। अभी चॉकलेट चल रहा है, चॉकलेट का वो लाइन में आता अपने, चॉकलेट का लाइन। अच्छा, वनीला है, ऐसा है। ये सुबह निकला था? सुबह निकला। ये कल सुबह बाहर निकलेगा? कल सुबह में बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा ऐसा।
पूरा क्लीन है, पूरा एकदम क्लीन है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मुझे इतनी ठंड में लेके आए? मेन यही है। इस प्रोसेस का इम्पोर्टेंस क्या है? मेन लाइव पढ़ना है ना सब, -20 डिग्री टेम्परेचर में स्टॉक रखते हैं हम लोग। हाँ। वो टेस्ट है और क्वालिटी पूरा बराबर रहता है उससे। सेल्फ लाइफ भी सेव रहता है। सेल्फ लाइफ सेव रहता है। हाथ वात काम नहीं कर रहे, देखो ये भी जम चुका है। आई थिंक विद इन 10-15 सेकेंड पूरा फ्रीज हो जाता है। ये कोल्ड स्टोरेज रहता है ना, ये हार्डनर है। हार्डनर, सॉरी, इसके बाद पैकिंग। ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है। अच्छा, ये बैचेस में चलते रहता है। इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? 6 months। और शेल्फ लाइफ मतलब कैसे वो होती है? वो कोल्ड स्टोरेज में रखने से टेम्परेचर का सारा खेल रहता है। बेस प्रोसेस में भी रहता है वो। बेस प्रोसेस में भी। अच्छा, अच्छा एक और चीज, ऐसे ही हम लोगों ने ना फैक्ट्री एक कवर कर रखी है, जैसे दूध जो डेयरी ब्रांड्स होते हैं ना, वो कैसे दूध प्रोक्योर करके उसको करके मतलब आपको इतने होल क्वांटिटी में देते हैं ना, तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। मेगा फैक्ट्रीज कप जो होते हैं, चॉकलेट कप वाला ही, चॉकलेट कोन में, कोन शेप में जा रहा है। शेप डिफरेंस हो जाता है, कोन में रहता है और इसमें वो भी रहेगा ना, कोन भी रहेगा और इसमें चॉकलेट आएगा, टॉपिंग ऑन बॉटम चॉकलेट आएंगे। अच्छा, कोन में कोन ऑलरेडी रहता है, कोन एक एक करके ये देखो स्टैक कर रहे हैं। ये मैनुअल प्रोसेस, मैनुअल और ऑटोमेटिक का सिंक देखना कितना बढ़िया है। वहाँ पे चॉकलेट गई, चॉकलेट आइसक्रीम गई, उसमें चोको चिप्स देखो ढेर सारे भरे हुए हैं, चोको चिप्स जा रहे हैं और ऊपर पैकेजिंग हो गए, सील हो रहा है। 4-step प्रोसेस है और 5th step आगे जा रहा है मैनुअल। 5th step बैचेस में काउंट करके पटक इधर, पटक इधर, चॉकलेट कोन ऐसे बनते हैं। आया आया, कुछ आया, कुछ आया, कुछ आया हमारे पास। इससे फ्रेश आइसक्रीम आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ओ भाई, वो सब दूर देखने में ही अच्छा लगता है। शिमला के मज़े शिमला में अच्छे लगते हैं, हैदराबाद के मज़े आइसक्रीम खा के ठंडी ठंडी, तभी मज़ा आता है। वही कॉफ़ी ना हैवी आइसक्रीम है, वो जो आइसक्रीम पे जो फैटीनेस है ना, काफ़ी अच्छी है टेक्सचर। भाई ये वाली आइसक्रीम आपको ना मिल जाएगी खाने को, ये वाली आइसक्रीम आपको मिल जाएगी खाने को हैदराबाद में। हैदराबाद का लोकल ब्रांड है, पर ये वाली आइसक्रीम आपको नहीं मिलेगी। अभी ये जाएगी फ्रीज़र में, 24 घंटे फ्रीज़र में पड़ी रहेगी, टेम्परेचर सेट होगा, उससे शेल्फ लाइफ इसकी इम्प्रूव होगी। बट हम लोगों ने तो अभी खानी है ना, फ्रेश आउट ऑफ द मशीन। देख लो धुएँ निकल रहे हैं, पता चल रहा है, रुको। हाँ, थोड़े थोड़े पता चल रहे हैं। टेक्सचर देख रहे हो, वो नीचे से देखो, नीचे से देखो, है ना, इसमें से एक्स्ट्रा चॉकलेट चिप डलवा दूंगा अभी। चॉकोबार जो आपने बनते हुए देखा था ना, उसके बाद वो डिपिंग हुई, उसके बाद वो ठंडी हुई और अब यहाँ पे ये देखो प्रोसेस देखो। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इस पर एकदम एंड में सेट हो जाती है, यहाँ पे अलाइन होना जरूरी है ना इसका। अब यहाँ से काम ऑटोमेटिक, यहाँ पे काम मैनुअल, यहाँ पे काम ऑटोमेटिक। और ये वाला शॉट देखना आप, ये मस्कटी की पैकेजिंग है और ये इधर से इधर नीचे जाए जा रहा है। यहाँ वो देखो पैकेजिंग आई, अपने अब सारा काम ऑटोमेटिक, यहाँ से एवरीथिंग ऑटोमेटिक, पूरा प्रोसेस डिफाइंड है। और अब इधर आ जाओ, यहाँ पे सिर्फ कटिंग करनी है। थोड़ा यहाँ पास में आके देखोगे ना, यहाँ पे आपको वो कटर दिखेगा, उसका ऐसे घूम ही जा रहा है कटर, है ना, मोशन में। सारी पैकेजिंग देख ली आपने, भैया पीसेस काउंट करके डालना, कहीं कम ना पड़ जाए। मैनुअल और ऑटोमेटिक का जो मिक्स है ना, स्टार्टिंग में मैनुअल प्रोसेस, बीच में ऑटोमेटिक, फिर एंड में मैनुअल, एकदम सही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना हुआ है।
थैंक यू। खाने की बारी में ना कभी मना नहीं करते। आप इतने प्यार से खिलाओगे तो मना कैसे कर सकते हैं। फ्रेश एंड फ्रेश कुल्फी खाओ। नहीं बस इसके बाद हमारा पेट जवाब दे जाएगा। पहले इसको खाते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा प्यार से बनते हुए देखा है। मतलब ये अभी ये सारी चीज़ें जो है ना अभी कोल्ड फ्रीजर में जाएगी। मैं कैसे खा रहा हूँ मुझसे मत पूछो। रसूल भाई बड़े अच्छे व्यक्ति है भाई। इसकी ना अभी तक चॉकलेट अभी तक हार्ड नहीं हुई है ऊपर वाली। ये मज़ा आज तक कभी नहीं खाया। ये हम लोग लगा देंगे पैकेजिंग। आप टेंशन ना लो, पैकेजिंग हम लोग कर देंगे। ऐसे ही रहेगा कि हम लोगों ने बाहर से लेके खाई है। पर ये बहुत सही है यार, फ्रेश खाने का मज़ा। आपके कोई रसूल भाई कोई जॉब वैकेंसी आपके पास, वो जैसे कहते हैं ना फूड इंस्पेक्टर की, आके टेस्ट करे कि इसमें कमी ज़्यादा है, तो मैं वो कर सकता हूँ। बड़ा मज़ा आया यार इसको खा के। चॉकलेट अभी तक ना ऊपर वाली ना मैडम कहा था ना, बहुत डिफिकल्ट है हार्ड टू एक्सप्लेन यार। मज़ा आ गया यार, ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं ना, मज़ा आता है। चलो अब चलते हैं बादाम पिस्ता की पैकेजिंग। ये पैकेजिंग कर ले जाएंगे क्योंकि आइसक्रीम यहीं पे पूरी ख़त्म कर देंगे। बाय बाय। खिलाते हैं, हर स्कूल में खिलाते हैं, ऐसे फैक्ट्री फूक्ट्री में लेकर जाते हैं। लोग तो वेट ही करते रहते हैं अगली ये मैकडोनल्ड्स डोमिनोज की स्कूल विजिट कब हो। चलें बस अब। चलो ये रास्ते के लिए। नहीं नहीं अभी बस दो मिनट रखेगा, बस दो मिनट बाद फिर पेट में ही मेल्ट होगा ये। पेट की एक्सरसाइज हो रही है। अरे इसमें पता क्या कर सकते हैं, पानी लो ठीक है, इलायची बिस्किट लो और खा जाओ, इलायची शेक बन गया। है कि नहीं रॉजी? है कि नहीं? ऐसे हिलते ही तो है, बन तो जाएगा इलायची।